तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी मैं हूँ तिरुपति के लोकल मार्केट में, तिरुपति का सारा लोकल मार्केट आ रहा हूँ। और यहाँ देखेंगे दोस्तों आप, तो पत्ते हैं जो पत्तों की प्लेट बनाई जाती है उसका काम यहाँ पे है। और ये पूरा लोकल मार्केट है, अगर आपको सस्ते में टी शर्ट वगैरह चाहिए तो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। मेरे को लगता है ये यूज़ की हुई टी शर्ट सारी रहती है यहाँ पर, है ना, यूज़ की हुई टी शर्ट वगैरह यहाँ पे सारी रहती है। तो किसी को चाहिए सस्ते में यहाँ पे लेते हैं। अभी मार्केट क्या 10 बजे का समय है, तो अभी मार्केट धीरे धीरे खुल रहा है। गोविंदम टेम्पल, गोविंदम इस साइड, तो ये सामने है गोविंदम टेम्पल। और यहाँ पर भी बोला कि लाइन वगैरह लगती है, और शायद कैमरा मेरे को जो है बाहर ही जमा करवाना पड़ेगा। देखते हैं क्या व्यवस्था रहती है। और यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए काफ़ी जो है लाइन वगैरह रहती है यहाँ पर। और यह है टेंपल अंदर से, और देख लीजिए भीड़ कितनी है। सेम टू सेम डिट्टो जो तिरुपति मंदिर है उस टाइप का ही सेम बनाया गया, क्योंकि मैं तो कल देख के आया हूँ। तो यहाँ पर भी मुंडन करवाने के बाद लोग जो है यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं। और मेरे जो रिश्तेदार हैं यहीं पे रहते हैं, तो उन्होंने कहा तो इस हिसाब से मैं अंदर आया हूँ। और यहाँ देखेंगे तो आप फ्री सेल फोन डिपॉजिट काउंटर, और अपने शूज़ वगैरह लगेज वगैरह आप सारे यहाँ पे जमा करा सकते हैं बिल्कुल फ्री निःशुल्क। सारे जो लोग हैं साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन लोग यहाँ पे सारे हैं, लेडीज़ वगैरह जो है मुंडन करवाते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। और रिग वगैरह यहाँ पे मिलती है मुंडन करवाने के बाद, किसी को चाहिए होता है। मंदिर के बाहर का लोकल मार्केट ऊपर देखिए आप, तो पूरा बाँस से इसको जो है कवर कर रखा है छाया वगैरह के लिए। मोबाइल कवर हैंडल वगैरह यहाँ पे मिलता है सारा। और अभी तो क्या 9-10 बजे का समय है, फिर भी लोग जो है दर्शन करने के लिए, जो जितना तिरुपति में मैंने भीड़ देखा उतना ही यहाँ पे है। GoPro का मैंने क्या मीडियम माउंट नहीं लगा रखा, मीडियम माउंट मेरे पास नहीं, इसलिए थोड़ा वॉइस का थोड़ा दिक्कत रहता है इसमें। लमसम वॉइस सही भी आता है, लेकिन कभी कभी क्या ज़्यादा भीड़ होती है तब दिक्कत रहती है। बाकी तो आप सुन ही रहे हैं इसकी वॉइस किस प्रकार से, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है GoPro की। मैं शायद 4th या 5th वीडियो बना रहा हूँ GoPro पे। यहाँ पे आपको तिरुपति जी की जो मूर्ति है, अलग से लोकल आइटम जो भी यहाँ का रहता है ट्रेडिशनल, और वो सारा यहाँ पे मिलता है। खास मैं भी यहाँ पे साउथ वाली लुंगी पहन के आता तो और ही अलग ही नज़ारा रहता। वैसे मैंने कल पहनी थी, अगर आपने तिरुपति वाला वीडियो देखा जो इस ऊपर आ रहा अभी आपके, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वापस जो मंदिर तो पीछे रह गया, वो मंदिर का गेट था, वो मंदिर तो पूरा पीछे रह गया। मैं वापस ये मार्केट पे एक्सप्लोर करता करता यहाँ आगे आ गया हूँ। मेरे को कब से शौक था मैं इस प्रकार की गलियों में भ्रमण करते हुए ऐसे वीडियो बनाऊँ, तो मैं आज बना रहा हूँ। और सामने देखेंगे दोस्तों तो गांधी जी आपको दिखाई देंगे, गोल्डन गांधी जी, ये देखिए। ये तिरुपति मंदिर में भी रहते हैं ऊपर, सेम टू सेम डिटो। मेरे पास क्या भी खुले पैसे नहीं है, उनको देना चाहूँ तो मैं क्या दूँ पता नहीं। थोड़ा मैं पास लेके दिखाता हूँ आपको। गांधी जी गोल्डन नारियल यहाँ पे बहुत सस्ता है, नारियल का मैं रेट पूछता हूँ। हाउ मच प्राइस? 30 ऑनलाइन पेमेंट, पेटीएम ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन कैश नो, ऑनलाइन पेमेंट 1 नारियल 30 वेयर, इसके अंदर फोन पेमेंट नंबर। और साउथ में नारियल बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर भी जोधपुर का जो रेट है वही यहाँ का रेट लग रहा है मेरे को। जोधपुर में आई थिंक मेरे को 25 रुपये में मिलता है ये नारियल, और यहाँ पे पता नहीं क्यों 30 में मिलता है। हिंदी समझते हो? हिंदी आंध्रा आंध्रा
तो इनको ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं इनके नंबर पर। अनन नंबर 8 0 9 4 4 राइट। हाँ पेर पेर 30 ना। हाँ पेर है वहीं चले ना। पेर है वहीं चले। हाँ हिंदी हिंदी आया 30। चरण तेजा डन। ओके थैंक यू। मार्केट थोड़ा एक्सपेंसिव है, जोधपुर से काफ़ी एक्सपेंसिव मार्केट यहाँ का है। जोधपुर में जो है लोकल रेट काफ़ी सस्ती होती है। ये साउथ इंडियन शर्ट वगैरह है, हाफ शर्ट 150 रुपये 250 रुपये, और अगर आप शॉर्ट लेना चाहते हैं शॉर्ट 120 रुपये, धोती वगैरह सारा यहाँ पे मिलता है। इधर वापस आ गए हम टेंपल वाली गली में। यहाँ पे माला वगैरह हम तुलसी और ये जो है मोगरे की माला रहती है। मैं हिंदी तो अभी कैश की डिमांड कर रहे हैं। मेरे पास तो कैश है नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था। मेरे को लगता है यही है जो मुख्य मंदिर है यहाँ का। मैं किसी को पूछता हूँ लोकल को एड्रेस, उसके बाद जाते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पे जो नाग देवता होते हैं, यहाँ के नाग देवता की प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है। अरे क्या सूट पहने हुए, इसलिए थोड़ा मैं पास में नहीं जा रहा हूँ। पहले मैं सूट रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये जो नाग देवता की प्रतिमा है वो यहाँ पे लगी हुई है। सभी लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, कोई खाना खा रहा है। और यहाँ से वापस एग्जिट है मार्केट के लिए। अगर आप दर्शन करने के बाद जाना चाहते हैं तो यहाँ से सीधा बाहर निकल सकते हो। अच्छा टिकट्स जो काउंटर है वो यहाँ पर है। सॉरी टिकट काउंटर यहाँ पे। వెల్కమ్ किधर जाना मंदिर? सीधा। ओके तो मंदिर उधर है, सीधा जाते हैं। पहले फ़ोन को अब जमा कराना पड़ेगा, उसके बाद मंदिर दर्शन करते हैं। और इस प्रकार का टिकट मिलता है मंदिर के अंदर जाने के लिए भी। ठीक है यहाँ पे डिपॉजिट करवा देते हैं अपना कैमरा और फोन। तो यहाँ से हमने अपना जो फ़ोन वगैरह था ले लिया है। अभी हम जूते लेने के लिए जा रहे हैं, यहाँ से कूपन मिलता है, उसके बाद अपने जूते जो है यहाँ से मिल जाते हैं। अपने जूते यहाँ से मिल गए हैं। सॉरी हमारे साथ जूते अपने मिल गए हैं। और ये मंदिर के दर्शन भी हमने कर लिए। इधर था मुख्य मंदिर, और मंदिर में दो एंट्री होती है, एक तो फ्री और एक होती है 20 रुपये टिकट वाली। तो टिकट में लाइन अलग अलग होती है, बाकी दर्शन तो सेम ही होते हैं। अंदर जाके दोनों लाइन जो है मिक्स हो जाती है। और टाइम बात करूँ सिर्फ 5 मिनट का फ़र्क पड़ता है, बाकी सेम ही दर्शन होते हैं। ऐसा कुछ विशेष नहीं है टिकट में। तो अभी तिरुपति का एक दूसरा लोकल मंदिर है यहाँ पर, सीधा है सामने राम का मंदिर। और अंदर जो है आपको ये तिलक मिलता है,
ये हल्दी और चंदन का मिक्स होता है, इसमें आप घर पे लेके जा सकते हैं और डेली आपके लगाने के लिए। और सामने ही हनुमान मंदिर है, तो मंदिर में तो वैसे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ राम और हनुमान जी के। तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ, अगर आप तिरुपति में हो तो ये प्लास्टिक मार्केट है, इसके अंदर ये मंदिर स्थित है, तो आप आके दर्शन कर सकते हो यहाँ के।